तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के इस हफ्ते के सारे शोज की व्यूअरशिप के बारे में। इस हफ्ते के सारे शो खत्म हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे शोज हमें देखने मिले कह सकते हैं। WWE के जितने भी शो थे, रॉ, स्मैकडाउन, वो उनके पे पर व्यू से पहले के लास्ट शो थे, तो काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी कुछ हमें शोज में तो देखने को मिला, लेकिन व्यूअरशिप में यहाँ पर WWE को फायदा हुआ है या फिर नहीं, तो उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस बात करें यहाँ पर सबसे पहले शो के बारे में, यानी कि मंडे नाइट रॉ के बारे में। इस हफ्ते का रॉ का एपिसोड कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था। मतलब रॉ तो काफ़ी टाइम से हमें अच्छी देखने को मिल रही है। इस हफ्ते भी काफ़ी अच्छा एपिसोड था, जहाँ पर स्टार्टिंग में हमने रेट्रीब्यूशन का मतलब इन्वेजन टाइप का देख लिया था। साथ ही इस हफ्ते की रॉ में हमें रेट्रीब्यूशन का पहला मैच भी देखने को मिला था हर्ट बिजनेस के साथ। रैंडी ऑर्टन की भी वापसी देखने मिली थी। साथ ही शो के ऊपर हमें काफ़ी कुछ और देखने को मिला था, ब्रॉन स्ट्रोमन डब्बा खाटो का मैच था। मतलब शो की बात करें तो काफ़ी अच्छा शो हमें देखने को मिला था, काफ़ी अच्छा शो था पेपर उसे पहले का। और बात करें यहाँ पर व्यूअरशिप के बारे में, तो इस हफ्ते की गाइस जो व्यूअरशिप मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर घटी है व्यूअरशिप। अब ज़्यादा तो नहीं घटी है, लेकिन थोड़ी सी घटी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इस हफ्ते की जो उनकी व्यूअरशिप गई है वो ये 1.678 मिलियन व्यूअर्स, और बात करें लास्ट वीक की तो वो थी 1.689। तो यहां पर ये 0.65% इनकी व्यूअरशिप डाउन चली गई है। अब 0 पॉइंट में गई है कह सकते हैं, 1% भी WWE को घाटा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर घाटा ही हुआ है। और हम देखते नहीं हैं ऐसा कि WWE से पेपरव्यू से पहले के जो रॉ के एपिसोड आते हैं या फिर किसी से पहले के भी मतलब एपिसोड होते हैं उसमें WWE को घाटा हो। यहाँ तो पेपरव्यू से पहले का लास्ट एपिसोड था, शो भी अच्छा था, लेकिन अभी मुझे WWE का कुछ भी सीन समझ में आ नहीं रहा है। व्यूअरशिप घट क्यों रही है, क्योंकि शो तो कहीं से भी WWE के बेकार जा नहीं रहे हैं। अगले शो की बात करें यानी कि गाइस NXT के बारे में, तो इस हफ्ते का NXT का एपिसोड कह सकते हैं पूरा जो एपिसोड था वो नंबर 1 कंटेंडर के मैचेस को लेके ही था। काफ़ी कुछ हमें शो पर देखने को मिला था, जहाँ पर स्टार्टिंग में हमने एक बैटल रॉयल देखा था, जहाँ पर डिसाइड होने वाला था कौन फेस करेगा हमारी NXT वुमेन चैंपियन इयो शिराई को। तो बैटल रॉयल भी हमने देखा था, साथ ही एक गॉन्टलेट एलिमिनेटर मैच भी था जिसको काइल ओ'रायली जीत गए थे। फिन बैलर भी लास्ट में हमें देखने को मिली गए थे। शो के ऊपर काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। तो इस हफ्ते की NXT की व्यूअरशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो इनकी व्यूअरशिप है वो कह सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पर इनकी बढ़ चुकी है व्यूअरशिप, क्योंकि इस हफ्ते की जो इनकी व्यूअरशिप गई है वो गई है 6,96,000 यानी कि 696K, और बात करें लास्ट वीक की तो वो थी 6,89,000 यानी कि 689K। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है इस हफ्ते की NXT को कह सकते हैं, उनका भी अभी आने वाला टेक ओवर है, तो उससे कह सकते हैं थोड़ा बहुत उसके लिए भी चीज़ें बिल्ड हो चुकी हैं। और सारे जो नंबर 1 कंटेंडर के मैचेस हुए थे इस हफ्ते कह सकते हैं उससे बहुत थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़ायदा हो गया NXT को। अगले शो की बात करें यानी कि गाइस AEW डायनामाइट के बारे में, तो इस हफ्ते का डायनामाइट का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने मिला था, जहाँ पर शो के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने मिली। रूसेव का डेब्यू देखने मिला था, मतलब मीरो का डेब्यू था, उनका पहला मैच था डायनामाइट के अंदर। साथ ही कोडी का रिटर्न हमें देखने मिला, जॉन मॉक्सली वैसे एडी किंगस्टन का मैच हमने देखा था, साथ ही ब्रोडी ली और साथ ही ऑरेंज कैसिडी का मैच था TNT चैंपियनशिप के लिए। मतलब वहाँ पर भी शो के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। तो बात करें इस हफ्ते के डायनामाइट के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में, तो यहाँ पर इनकी व्यूअरशिप थोड़ी सी घट चुकी है, क्योंकि इस हफ्ते की इनकी व्यूअरशिप गई है वो गई है 8,35,000, और लास्ट वीक की बात करें तो वो थी 8,86,000। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर घाटा हुआ है इस हफ्ते के डायनामाइट के एपिसोड को। एपिसोड तो हमें काफ़ी अच्छा देखने मिला था, जहाँ पर कोडी वगैरह का रिटर्न हो गया था, मीरो का डेब्यू था, चीज़ें वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन वही है, WWE के साथ बात करें या फिर सारी चीज़ों के बारे में बात करें यहाँ पर जब मैंने देखे शो अच्छे जाते हैं व्यूअरशिप घटे आती है, तो पता नहीं पूरा सीन ही क्या उल्टा चलता है। लास्ट शो की बात करें यानी कि गाइस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, इस हफ्ते का स्मैकडाउन का एपिसोड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, जहाँ पर कह सकते हैं कुछ क्वालिटी के मैचेस हमें देखने मिले थे। जो मैचेस हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, जैसे कि मैट रिडल किंग कॉर्बिन का मैच काफ़ी ज़्यादा सही था, लेसी एवेंस एलेक्सा ब्लिस का भी हमने देखा था, फिंड का भी वहाँ पर हमने काफ़ी कुछ इन्वॉल्वमेंट देख ली थी। स्टार्टिंग में हमने देखा था ट्रिपल थ्रेड मैच हुआ था, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो बात करें इस हफ्ते की स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में, जहाँ पर रोमन रेंस भी थे, जे उसो भी थे, रोमन रेंस का अपना विलन वाला कैरेक्टर भी हमें देखने मिला, तो इस हफ्ते की स्मैकडाउन को भी यहाँ पर थोड़ा सा घाटा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा घाटा हुआ है, क्योंकि इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप गई है वो गई है 2.032 मिलियन व्यूअर्स, और बात करें लास्ट वीक की तो वो थी 2.037 पे, वहाँ पर ये 0.2% मतलब डाउन आ गई है। बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल छोटा सा इतू सा घाटा हुआ है स्मैकडाउन को, लेकिन यहाँ पर फिर भी घाटा ही हुआ है, फायदा तो हुआ नहीं है इस हफ्ते के WWE के सारी शो को, जहाँ पर हमने देखा रॉ की भी व्यूअरशिप घटी है, स्मैकडाउन की भी घटी है, NXT की थोड़ी बड़ी है लेकिन वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, और साथ ही डायनामाइट की भी बड़ी है। कह सकते हैं इस हफ्ते के शो तो हमें सारे अच्छे देखने मिले, लेकिन यहाँ पर व्यूअरशिप में यहाँ पर सारी शो पीछे रह गए, जहाँ पर उनकी व्यूअरशिप डाउन आ चुकी है। तो कमेंट करके आप लोग मुझे बताना आपको इस हफ्ते का कौन सा शो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, रॉ, स्मैकडाउन, NXT या फिर AEW डायनामाइट, इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही गाइस इस वीडियो को लाइक किने कहीं नहीं आना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।